हाय फैमिली, कैसे हो आप? सब बढ़िया होंगे? अपने को फॉलो करे तो कौन बढ़िया नहीं है बॉस? प्रॉब्लम क्या है सर? आज आके आपके सो कॉल्ड गुरुज बोलेंगे, सो कॉल्ड यूट्यूबर्स बोलेंगे, टॉप पे मैंने बैठाया था, टॉप का मैंने लेवल दिया था, वहां से 1000 पॉइंट का फॉल, वहां से ये वो। बॉटम दी देना, टॉप तो दे दिया, बॉटम भी दे। सर हम इमीडिएटली लाइव आके आपको क्या बोले, बॉटम फिक्स है, डे हाई मतलब ऊपर ही जाएगा मार्केट, यही बोला था यार। कितना जाएगा? मैं तो भगवान हूं नहीं ना कि इतना जाएगा, 16400 तक जाएगा, जो भी है। मैं बोला यहाँ से बाई करो, बॉटम फिक्स है, डिप पे बाई कर लो अगर मिला तो, नहीं तो डिप भी नहीं है, जरूरी नहीं है। दे डिप दिया ही नहीं बॉस, थोड़े हल्के हल्के डिप्स दिया, ऊपर लेते गया, हल्के हल्के डिप्स दिया, ऊपर लेके गया। तो समझो सो कॉल्ड क्या है, तुम्हारे गुरुस वो तो सबको ही मालूम है, 500 का लेवल, 500 का लेवल भी नहीं गया। जो डॉट हमने आपको चार्ट पे लाइन दिखाई थी कल, चार्ट पे जो डॉट लाइन दिखाई थी ना सर, 490 489 जो भी आपको ड्रॉ करके होगा, जाके देख लो, क्या हाई वही मारा, वही टच करके पलटा बॉस, वापिस थोड़ा रीटेस्ट करके फिर गिरा। हमने 215 पे सेल लिया था सर, 17700 का पुट ऑप्शन, 215, 207 नहीं 210 का शायद लो है, मतलब 5 रुपए के डिफरेंस पे। देख लो ये होता है एक्सपीरियंस सर, ब्ला ब्ला सब करते हैं सर, यकीन मानो पूरी मार्केट में ब्ला ब्ला करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है पता है सर? आप लोग को क्या है, ब्ला ब्ला पसंद आता है, शेयर करते नहीं हो ना, वो ब्ला ब्ला बहुत शेयर करते हो, कभी कभी हुआ शेयर नहीं? एक रिक्वेस्ट आज फॉलोअर से, जितने भी फॉलोअर्स हैं बॉस, 90 100 100 में से 30 40 तो जेन्यून होंगे, बाकी तो ये सारे टाइम पास के ही है मालूम मेरे को, वो ना खुद के हैं ना किसी के हैं, मेरे को मालूम ना बॉस, जेन्यून मेरे 20 30 ही होंगे। तो उनसे रिक्वेस्ट है, बाकी भी अगर भाई कर रहा है तो अच्छी बात है, आई विल बी थैंकफुल टू यू। स्टेटस में लगाओ सर मेरा, आज का जो है ये मार्केट का रिपोर्ट, स्टेटस में लगा दो और बोलो सब्सक्राइब कर लो चैनल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। एटलीस्ट क्या है सर, समथिंग यू शुड बी रिवॉर्डिंग मी राइट, कि यार मैं लाइव मार्केट में आके आपको बॉटम बता रहा हूँ, एक दिन पहले आपको टॉप बता रहा हूँ कि मैक्स टू मैक्स यहाँ तक खींच सकता। और बैंक निफ्टी भी सर जाके देख लो यार, बैंक निफ्टी भी 240 का लेवल, 37240, मैं एक चीज़ बोला था, 225 से 240 का पहला रेसिस्टेंस, मैं बोला वही अगर आपको टारगेट भी रखना तो पहला टारगेट वही रहेगा, बट वहाँ से पलटा तो पलटा, अगर वो काटता है, मैं भी वेट कर रहा था एक्चुअली, क्या पता काट के चले जाए और वो 375 वाले लेवल पे चले जाए, काटा नहीं, मैं समझ गया, मैंने पुट दे दिया, टॉप पे पुट दिया सर, 20 30 रुपये नीचे दिया, रीज़न क्या था वो कन्फर्मेशन की वेटिंग के लिए, निफ्टी आई वॉज वेरी श्योर, निफ्टी में तो कॉन्फिडेंट था बस, टॉप पे दे दिया अपन। और मज़े की बात, बॉटम पे भी बोला था ना बाई करो सर, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप आज करोगे यार शेयर, कर दो, दिल खोल लो बस, थोड़ा 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 कंजूसी छोड़ दो आज। अब बात कर लेते हैं सर निफ्टी, बैंक निफ्टी, कल कल आरबीआई मीट है शायद, है ना, शायद आरबीआई की कॉन्फ्रेंस है, वॉलेटाइल सेशन रहेगा, एंड डोंट बी सुपर बेरिस, कब तक सर, डोंट बी बेरिस अंटिल 17225, 225 200 जोन इज ब्रोकन, यस इफ इट इज ब्रोकन हाई चांसेस कि दिस टाइम इट वॉन्ट, क्या कहते हैं, 17150 तोड़ देगा, देर आर हाई चांसेस 17150 तोड़ देगा, जो कि बहुत अहम लेवल है, 150 to 165 का लेवल बहुत अहम है, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है वो ब्रेक कर दे और आपको 17000 की तरफ दिखा दे। आई एम नॉट सेइंग टू बेरिश, इट्स ऑल अबाउट लेवल्स एंड हाउ योर आरबीआई कम्स एंड हाउ द पैनिक स्टार्ट्स। सेकेंडली बेस तो बता दिया, बाई कब करना है, ओनली यू विल बाई इफ निफ्टी सस्टेन्स अबाउ 17400, अदरवाइज ट्राई टू सेल ऑन द रेसिस्टेंस नियर 17400 और ट्राई टू बाई नियर सपोर्ट 225 to 250 जोन, यस दिस इज द रेंज। अच्छा अबाउ 17400, 440 450 इज द टारगेट फर्स्ट, सेकेंड आज का जो हाई है दैट इज योर टारगेट नेक्स्ट,
बट अगेन आई थिंक 525 इज इम्पॉर्टेंट हर्डल. इफ इट क्रॉसेस 525, दैट इज 17525, देन ओनली थिंक फॉर द बाई, मतलब कॉन्फिडेंटली बाई, अदरवाइज नो बाइंग एट ऑल माई ब्रो. नहीं करने का, नहीं करने का मतलब नहीं करने का. अब सेल के साइड का इंपॉर्टेंट लेवल दे दिया. सर निफ्टी तो बता दी, व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी मेरे भाई कहाँ क्लोज होगी? 650-700 के पास हुई होगी शायद. वेरी गुड सर. अनलेस एंड अनटिल 38,000 इज क्रॉस्ड, नो बाइंग एट ऑल, विच इट वॉन्ट क्रॉस. आरबीआई कुछ भी लान दो. अच्छा, इफ इट क्रॉसेस वी विल बाई. टारगेट 375 भी जा सकता है, 400 भी जा सकता है इस बार, ठीक है ना. एंड इफ बाई एनी चांस 37,400 इज द सपोर्ट, 400, 430, 425 का एक सपोर्ट है 37 का, वहां से बाउंस दिखा तो बाई, रेसिस्टेंस पे सेल दिखा तो ठीक है. सेलिंग जोन है, मतलब रेसिस्टेंस पहला एक रहेगा 650 to 750, पहला रेसिस्टेंस, इसमें उंगली नहीं करना. अच्छा 750 क्रॉस करता है तो बाई कर सकते हो आप, 750 क्रॉस करता है तो बाई कर सकते हो. आपको 938,000 दिखा देगा. अच्छा नीचे की तरफ 650 फ्लैट खुलता है, 650 तोड़ता है तो 37,400, वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा अगर वो टूटता है तो आज का जो लो मारा है, लो कहाँ मारा पता नहीं, 37,225 से 150 इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, विच आई डोंट थिंक इट विल ब्रेक. अच्छा इफ इट ब्रेक्स 36,900 चांसेस हैं, तो आपको ऐसे खेलना पड़ेगा बॉस. क्योंकि सर आप ये सब क्यों बता रहे हो? बिकॉज आई वॉन्ट बी अवेलेबल टुमोरो, बिकॉज बताया था ना ट्रिप है, रोड ट्रिप है. तो अब से शायद ये कि बोरिंग कमरे से अपन निकलेंगे, वादियों से या जो भी जहाँ अच्छी जगह वहाँ पे आपके साथ लाइव आएंगे, टाइम पास करेंगे सर, थोड़ा बहुत लाइफ एंजॉय कर लेंगे. साला बोर हो गया हूँ मैं भी ये रूटीन लाइफ देख देख के. थोड़ा हरिद्वार जा रहा हूँ, थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी कर लेते, भगवान को भी याद कर लेना कभी कभी, बाकी भी बहुत सारी जगह प्लान्ड अपने. तो वो था सर, ये था निफ्टी बैंक निफ्टी. अब एक ही थी सपोर्ट की गुंजाइश, फरमाइश जो भी है, मतलब जो आपको लगाए, आपको जो भी लगो, रिक्वेस्ट लगा लो, ऑर्डर लगा लो, जो आपको लगे वो लगा लो. सर आई कैन गिव यू लेवल्स बट यू हैव टू टेक ट्रेड्स, दैट इज़ वेरी सिंपल. आज भी मैं कहाँ था, आज बिजी था, आज ये बहुत सारे काम थे बॉस. तो मैं मतलब जो टॉप पे मैंने बोला था कि आज हो सकता है थोड़ा बहुत, मतलब इतनी बड़ी फॉल तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करा था, बट उसके बाद जैसे वो अपने मैं बोला कि एक बार 17,400 काट देते, एक थोड़ी बहुत अच्छी खासी पैनी का मतलब गिर सकता है. लाइव गूगल लाइव था, आज लाइव में था तो पेड मेंबर्स को बोला था, और 38,975 एक बार तोड़ दे, 37,975, फिर एक अच्छा खासा 750-650 जोन जा सकते हैं. बट इट वो मतलब कुछ ज़्यादा ही कर दिया सर, इतना भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था. बट ठीक है, मेरे को ये भड़ास चाहिए थी. प्रॉब्लम क्या थी, मैं आज मुँह कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाए. रीज़न क्या था कि मैं बोला ना दूसरे स्टफ में लगा हुआ था. कभी कभी मार्केट क्या, जब अपन साला वेट करते हैं तब देती नहीं, और जिस दिन, ये अगेन मैं बोल रहा हूँ ना सर, एक चीज़ समझ लो, नसीब का गेम है. भगवान ने आज मेरे नसीब में लिखा नहीं लिखा था पैसा देना. तो मैं क्या था, जैसे इधर उधर, यकीन मान बॉस, मैं निकला होऊंगा गूगल लाइव क्लोज करके मेंबर्स के साथ, दूसरे काम में लगाऊंगा 15-20 मिनट का, फिर एक बार ऐसे खोले तो इतनी में तो गेम ही छो गया था, 600 के लेवल पे आ गया था, और वो तोड़ भी दिया था. मैं क्या एंट्री लूँगा, क्या है? मतलब एक होता है यार, लेवल टू लेवल होता है ना, वो लेवल क्रॉस होने के बाद फिर नेक्स्ट लेवल बहुत दूर आ रहा था, फिर अपन नहीं करे, उंगली मिस हो गई, सोच लिया नसीब में नहीं था. बॉटम पे ट्राई करना सोचा था, फिर वाइफ अपने महान है, महान तो है ही, कुछ बोल नहीं सकते. तो ये था सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. अच्छा कमेंट में ये तो बता दो यार, व्यू काम आ रहा नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो यार फिर आना बंद कर दूँ, टाइम बर्बाद. मेरी घर वाले वैसे ही बोल रहे, क्या यूट्यूब में जब देखो टाइम पास करते रहते हैं. तो बात भी सही है उनकी, वाकई टाइम पास ही हो रहे हैं. तो बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, हेल्प हो रहा है नहीं हो रहा, लेवल्स, व्यूज़, लाइव आना, कोई पर्पस है नहीं है,
और क्या था, अच्छा मैंने आपको वो भी दी थी ना यार, टॉप पे ही मैंने आपको 17,700 का पुट ऑप्शन दिया था, राइट। मैंने यही बोला था, ट्रायल कर दिया हमने 250 का, और उसके बाद वो 250 का प्राइस नहीं आया था, उसके बाद गिरते गया। तो मैंने दिया था आपको एक्चुअली, मैंने ऐसा तो नहीं किया आपको भी नहीं दिया, टेलीग्राम में भी दिया था, व्हाट्सएप के चैनल ग्रुप्स में भी दिया था। ठीक है सर, मिलते हैं, एंड हैप्पी जर्नी लिख देना बॉस एटलीस्ट, एंड प्रे कि अच्छे साफ क्या अच्छी खासी चले जाए यार, 15 दिन रोड है, कुछ भी हो सकता है, भगवान की दया से ना ही हो तो अच्छा है यार, सेफ चले जाए, बच्ची भी साथ में है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, बाय।